सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन जिससे आपको मिल सके मेरी रेसिपी सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम आ गया है और मार्केट में गाजर आना शुरू हो गया है और सर्दियों के मौसम में गरम गरम गाजर का हलवा खाने का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इस न्यू ईयर पर आप गाजर का हलवा बनाकर जरूर देखें और मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी गाजर का हलवा बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमें गाजर का हलवा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 7 गाजर लिए हैं, अराउंड 1 kg गाजर है ये, और इनको मैंने धोकर कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि इसमें से पानी जो है वो निकल जाए अच्छे से। और मैंने थोड़ी देर बाद फिर इनको छील लिया है अच्छे से, इसकी साइड्स को कट करके फिर मैंने इसको छीला है। और इसी के साथ लिया है मैंने 1 cup मिल्क, रूम टेम्परेचर पर मैंने ये मिल्क लिया है, और लिया है 3/4 cup शुगर और 3 tablespoon देसी घी लिया है, इससे हमारे गाजर के हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और लिया है 200 ग्राम मावा यानी खोआ जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और ली है 6 से 7 इलायची जिसको मैंने क्रश कर लिया है, और लिए हैं पिस्ता 9 से 10 पिस्ता जो कि मैंने बारीक काट लिए हैं, 9 से 10 काजू, 9 से 10 बादाम और ली है किशमिश। तो चलिए फ्रेंड्स, गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, गाजर का हलवा बनाने के लिए हम सबसे पहले जो गाजर हमने ली हुई है उसको कद्दूकस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सभी गाजरों को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए अब गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे। घी हम पहले इसलिए डाल रहे हैं, इससे जो हमारी गाजर होती है उनमें जो पानी होता है वो अच्छे से निकल जाता है चिकनाई की वजह से। तो पहले हम घी डालेंगे, उसके बाद हम गाजर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, घी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपनी गाजर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसको एक बार चला देंगे, जो घी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। मैंने गैस का फ्लेम मीडियम पर रखा हुआ है। फ्रेंड्स, गाजर को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम इसको ढक के रख देंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे जिससे कि हमारी गाजर जो है वो हल्की सी उबल के आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, 3 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको एक बार खोल के अच्छे से चला दूंगी। और चलाने के बाद इसमें मैं डालूंगी मिल्क, अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे इसको, और फिर हम इसको 4 से 5 मिनट तक इसको पका लेंगे अच्छे से। फिर से इसको हम ढक के रख देंगे। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब मैं इसका ढक्कन हटा के एक बार इसको चला दूंगी। देखिए, हमारी गाजर हल्की सी बॉईल भी हो चुकी है, तो अब मैंने इसको अच्छे से चला दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी शुगर, शुगर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दें। फ्रेंड्स, चीनी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है गाजर के साथ, अब मैं इसमें डालूंगी मावा। फ्रेंड्स, मावा का हलवा नहीं पसंद है आपको तो आप इसकी जगह पर कंडेंस मिल्क या फिर दूध की क्वांटिटी को बढ़ाकर आप गाजर का हलवा बना सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्टी बनता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे मावा डालने के बाद, और अब हम इस हलवे को जब तक पकाएंगे जब तक कि इसका मॉइस्चर कम ना हो जाए अच्छे से मिक्स करना है इसको। तो फ्रेंड्स, अब हम हलवे को ढकेंगे नहीं क्योंकि हमें इसका मॉइस्चर रिमूव करना है, तो अब हम इसको ऐसे ही पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। फ्रेंड्स, हम हलवे को बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये तले में ना लगे। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट तक हलवे को अच्छे से पकाने के बाद हमारा हलवा रेडी है बनकर। तो अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो मैं डालूंगी इलायची, थोड़े से पिस्ता, थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचाएंगे हम, थोड़े से काजू, आप चाहे तो कोई और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, किशमिश, बादाम, मिक्स कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे हलवे का मॉइस्चर भी रिमूव हो चुका है, तो हमारा हलवा बनकर रेडी है, अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा गरम गरम सुपर डिलीशियस गाजर का हलवा बनकर तैयार है। तो अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पर थोड़े से डालूंगी पिस्ता, 2-3 काजू,
तो हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है, आप इसको सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको टेस्ट करूंगी बाद में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी, गाजर के हलवे बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।